8 साल में चोरी को नहीं हुई, बोले अब क्या चोरी हुआ है, बोले 8-9 लाख की तो ज्वेलरी चोरी होगी और शांतिपूर्वक चोरी करिए। वहाँ कितनों के सामान पूरे बनाया था पूरा? मिनिमम 10 लाख का। ये रूम में खाली बस एसी की हवा खाए बस अड़े बैठे थे। एसी भी चालू करी है? हाँ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहे हो जलगो झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू के कॉलोनी के अंदर और उरा जो एक रात में एक घटना हुआ है कि दो मकान के अंदर चोरी जगह हुआ और एक चोर चोरी अंजाम दे हैं। हम बता दूं कि 4 मकान लगातार एक लाइन के अंदर बढ़ रहे हैं, लगभग एक ही डिजाइन के अंदर पे हैं और बी के अंदर जो पहलो जो मकान है जो एक हिंदुआ को बताया जा रहा है सुशील कुमार मेला जी बढ़ के घर चोरी हुआ है। बी के बाद में 2 मकान बीच में छोड़ के चौथा जो मकान है, यानी कि 4 मकान क्रम से है, चौथा जो मकान वो कोई मुस्लिम भाई को बताया जा रहा है और बढ़ के घर चोरी। तो अपन दादू कि एक ही लाइन के अंदर 4 मकान हुए, 2 के अंदर कोई मौजूद को नहीं हुआ है, 2 का घर के बेड़े मौजूद हुआ है और 2 घर चोरी हुआ है। तो आप इस चीज को अंदाजो लगा सका कि शायद चोर ने इस चीज को पहले से अंदाजो हो कि कौन से घर के अंदर आज लोग मौजूद हैं और कौन से घर के अंदर लोग मौजूद को नहीं। और बी के बाद में विजय जी साहब से घराड़ा को बताना है कि बिल्कुल इम्तनान से आराम से बे रुके ही उड़े, एसी चालू करके आराम करो है, उनको टॉयलेट यूज करो है, चॉकलेट वगैरह भी खाई है, यानी कि अपन इस चीज को पूरा इल्म हो पूरा बन जानकारी चीज की ही कि आज दोनों घर का माइंड जो वो सुबह तक कोई भी आओगे को नहीं बांध कोई भी पकड़ो को नहीं गया। कोई साथी चोर होगा तो ऑब्वियस बात है कि चोरी करता है, 15 मिनट में बड़े से रफू चक्र होने की कोशिश करा को के पूरा मामलो है और पुलिस को अभी तक जांच करता है। मुझे अच्छी तरह करा कितों के नुकसान हुआ है। जी ये घर एक ही कहे था, हस्बैंड को क्या नाम है? सुशील कुमार मेला। क्या काम करा करी? ये आर्मी और रिटायरमेंट हो गया, दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड में ही बेटो आर्मी में। अच्छा, तो बोले तो कि कल लगभग कितने बजे की घटना आया भाई? ये घटना तो देखो रात की हुई है, कहा का मैं तो परसों 19 तारीख ने गांव चले गया और कल 20 तारीख ने माने मारा प्रोग्राम को करवा चौथ उजड़ने को जब गांव चले गया और रात ने मान दो 4:30-4:30 ये फोन आयो का भाई पीर जी भाई साहब का लोग टूटियो और चोरी होगी। जना मैं पड़ोसन ने फोन बाद 3 नंबर वाले पड़ोसन आई भी को फोन आयो का मारकन पीर जी और फोन आयो है बाका चोरी होगी तो थारो घर भी चेक करवा ले भाई तेरे का नंबर होगा पड़ोसन का इशाराली का। जब मैं इशाराली पड़ोसन ने फोन करियो कि भाई तू मारो घर चेक कर कि भी मारे घर का लोक टूट रहेगी, बोले आंटी आगला गेट का तो लोक लाग रहे है लेकिन बोले अंदर है ना जो कि फिंगरप्रिंट लाग जा जब पुलिस ही चेक करेगी आकी भी बंदा तो बहुत खड़े ही बार है लेकिन कोई चेक कौन कर पाए बोले गए। जब मैं फिर क्या करियो कि अभी बात नहीं इग्नोर तो कौन करी लेकिन फिर भी मैं बोली मार घर आला कि भाई चलो जब बोले वाला कहे भाई पीर जी भाई साहब का शादी शुदी जमा गई होगी चोरी आपा तो सदाई बंद करके आपने चोरी हुई को 8 साल होगी 8 साल में चोरी को नहीं हुई बोले अब क्या चोरी हुआ है बोले ये बोले भाई। तो फिर बात का मैंने फिर मैं अभी बात नहीं इग्नोर करी फिर दोबारा फोन आयो आंखो घर आदि अपने पड़ोस में आंखो बोले भाई पुलिस आ रही है और थारा घर ने चेक कर लियो थारे घर को लोग टूट गयो और थारे घर में चोरी होगी। जगह बाद में गाँव उचाल लिया जो थाने फिर करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा गाँव आवाज लग गए गाँव में निराद नुकर शिवदालपुरा। हाँ तो फिर बार को जो गेट है लोक कौन तोड़ियो वे अठे डबल चेयर का लकी और वह ऊपर की चढ़े और फिर ओल का एक ही लोक लगा रखे मैं सोचा 1-2 दिन के लिए गांव जा रहे हाँ वापिस आ जैसे जिसलिए सगला कमरा का लोक कौन लगायो जे ई कमरे का मैं लोक लगाई गया जे ई मेन गेट का लग रही होगी मेन ई गेट का बीक का ठीक है लेक का लोक तोड़ ठीक है हां लेक तो हां ई का लग रहा लोक ने तोड़ियो है लोक ने तोड़ियो है हां फिर लोक ने तोड़ की वे और बाद में लोग तो गिर दियो फिर वे गए ही कमरा का मैंने जब दिखाओ, दिखाओ मैं कौन सा कमरा को लोग तोड़े सब कमरा को लोग तोड़े फिर जाए एक कोई तोड़े नहीं नहीं कमरा एक एक का ही लोग को बाकी सा कमरा खुला हमारा हाँ इसलिए खुला आकर मैं सोचे 1-2 दिन के लिए मैंने मन में न रह के हूँ जब तो लोग लगा के आया हूँ मैं 1-2 दिन के लिए के लोग लगावा जब मैं चले गया ई कमरा एक लोग लगा गया बाकी भी का कुंटी लगाया ए खुला ही पड़ा कुंटी भी कोई नहीं मारा कितना सामान पड़े समान है सब मान लो मारे लड़की है 20 साल की तो भी का बचपन से आज तक जीती बीबी ने सोने की चांदी की कोई भी टूम करा के दी जिकिन भी की 2 तो सोने की चेन ही गले की पेंडल हो सोन भी भाई ने और भी कहे 3 जोड़ी कान्ना का सोने का 1 जोड़ी कान्ना का मेरा सोने का और भी का मैंने 10 जोड़ी कोई फाची है भी और कोई मच्छी कोई मान लो गणेश जी की रागी मूर्ति मारती सिक्का सिक्का चांदी कार यहाँ करके भी मैंने मान लो एक दादा के सोने की अंगूठी और मान लो पूरा सोनो बी के अंदर पड़े हो मेरा वाला रूम में तो भी मैंने 20,000 रुपया लड़की का केस आ बी का फर्श में जो फर्श तो नीचे बगा रखे पीसा वह काट ले गया और वह जो टूम रख रखी ने वह बेगा ने वह फर्श था जो सोना चांदी आ रहा बाका मैं वह निकाल ले गया वह फेंक गया
फिर गया है भी रूम में भी बीनणी को रूम है भी कमाइन भी पड़ी एक ही टूम जे एक काना कहा भी रूम कमाइने और लड़के की अंगूठी सोने की और एक ही पाजे पुजे भरी की जकी सारी नाल टूर गुड़िया गाड़िया की लगभग कितना रुपए की ज्वेलरी चोरी भाई 8-9 लाख की तो ज्वेलरी चोरी होगी। अच्छा और अपने केस तो ज्यादा कोनी है चोरी कहीं का 30-20-50 और 10-10 हजार रुपया बाहर लवा 60-70 हजार रुपया की बे बिल्कुल जल्दी के अंदर वाली चीज को बाथरूम में बे फ्रेश हो जिसके बाद पानी भी कौन डाल के गया है। मैं आके सुबह मैं सोची टॉयलेट करके आज गेट खोलियो जब बदबू मारे बुरी तरह फिर मैं एक बार पानी गिर के आई हूँ और शांतिपूर्वक चोरी करिए वहां वह देखो बीनणी को बक्सो तोड़ रखे बक्सो भी खोलिए वहां बाहर लो बेड भी खोलिए बाहर वाले रूम का मैंने बक्सो के ताड़ लगा रखे फिर कैसे के ताड़ लगाए लोको हाँ सरिया वगैरह संगे है कैसे तोड़े हो भाई वहां क्या से थोड़े माने के तो भाई मेके बता सरियो वगैरह कोई पड़े होगा कुछ सरियो वगैरह कुछ कौन पड़ी सब। अच्छा हां फिर बाहरली अलमारी वा खुली भी कमाईने वा जो बड़ी बेगड़ी टाइप की भी कमाईन कोई गड्डी गड्डी ही दादा की बेगड्डी गाड़ी भी काट लेगा अरबों गे रखे बेगड़ी बता रहे हो कि 8 साल से लगातार उ रहो अब तक यहाँ की कोई घटना नहीं केला गया कि मैंने तो 4 घर एक ही क्रम के अंदर हुए ही 2 ग्राम कोई मौजूद को नहीं हुआ है 2 ग्राम मौजूद हुआ है चोरी पे चोर पे 2 ही घर के अंदर आया है केला गया कि कोई आस पास को कोई नजदीकी है फिर कोई देखो मारो ने मने ने जो की मैं गई हूँ ना अभी जब मारो किसने कौन पता 4 कोठिया का सिवा का भाई ये गाँव गए हैं कि एक बात बताऊं थाने क्योंकि मैं मारा अचानक से ही तो गया अचानक से ही मारो प्रोग्राम बने कि वाह करवा चौथ उसने जब फोन कर दियो तो 18 तो मैं आया दिल्ली हूँ जब 18 तो पीर जी के भाई साहब का शादी अटेंड करी में और 19 ने मैं शाम को तो गया और 20 ने मैं रात ना आ कौन पाया क्योंकि मारा प्रोग्राम 1:30-2 बजे तक चल रहा कद की घटना है या थेकड़ गया था। मैं जयपुर गया था बैन के वाली में ठीक है 3:30 बजे से गया था दोपहर में तो रात के कम से कम 3:30-4 बजे से आए थे तो मैं आके देखे कि नाम है अड़ा का गेट बार का गेट तो लगा पड़ा था ताड़ा तो मैंने की लाइट लूट सब चालू थी तो मैं सोचे कि कोई लाइट लूट चालू करा भूल हो गए अड़का ताला कटड़ा था शायद से कर लो पूरा ताला कटड़ा था ठीक है अब ताला कटड़ा मैं देखे मैं ये क्यों होया फिर बंद मैंने जगह देखा तो पूरा डंगा बिखरा हुआ दो ताले काटे उसने हमारे दो कुंडी मतलब काटी थी मतलब ये मेन गेट के ऊपर ही कूदे गए जो सेम सिचुएशन से कि आपका पर रहा हां मैं ऊपर ही कूदा मैंने एक चीज बताऊं कि बणको तो ताड़ो तोड़ो है थाले तोड़न इन काट्यो है। हां अच्छा मारा बिगा दो लोहे का ना बिगा स्टील थोड़ा मारा थोड़ा बाया का नहीं मतलब काटा लो भूत हो। हां अच्छा मारा दूसरा अच्छा देखो काटड़ा वो लोग दो लोग काटे मैंने एक बिया काटा एक काटा अच्छा और क्या हमारे की तिजोरी तोड़ी है। अच्छा माइन कौन सा कमरा तोड़ देखो एक बार ये कमरा तोड़े के माइन एक कमरा। अच्छा ये जगह बाकी सामने कमरे को कौन तोड़े है कितनों के सामान पड़े बनाया था पूरा 2 लाख केस था। अच्छा और 5 तोले का सोना था और खड़े कम से कम 7-8 लाख करीब मान लो पूरा इतना था लगभग कितने के लाख रहे हो नुकसान मिनिमम 10 लाख का यदि अलमारी वगैरह से भी पूरा बैग कौन सा कौन सेट सब पूरा ये सामान बिखरा गए और सेट ले गए और डब्बे सब अड़े ही छोड़ गए। अच्छा बीमा केस था बीमा केस और गोल्ड था बीमा बैग अड़े छोड़ गए अब वो ले गए ये क्या से तोड़े गए कुछ अंदर तो लग रहा है उनकी अलमारी अलमारी तो खुली पड़ी थी तिजोरी कौन खुली थी तिजोरी तोड़ी है बेंड बैंड वेड़ा। अच्छा बैंड वेड़ा हाँ उससे वगैरह से तोड़े मतलब हाँ इसमें कुछ कौन था खाली मेन बीमा था और एक बीमा था। अरे ये देखिए ज्वेलरी रख रहा है नकली है हाँ नकली है। अच्छा असली पूरा लेगा चेक करके मतलब चीज को अंदाजा भी होगी कौन सी चीज असली है कौन सी नकली है वो जानकार आ छोड़ेगा सारा मतलब जानकार आवा नहीं चीज को पता होगी कौन सी असली है कौन सी नकली है ना किचन छेड़ा ना कोई वो रूम छेड़ा वो रूम के लोग लगा कौन छेड़ा। अच्छा। कोई कौन छेड़ा बस यही छेड़ा बस मैं ये रूम में खाली बस एसी की हवा खाए बस अड़े बैठे थे एसी भी चालू करी है हां अड़े बैठे थे लाइट सब चालू थी। अच्छा लाइट चालू करी है पंखो चालू करी है एसी चालू करी आराम भी करे चोरी आराम करे थकान होगी ना हां आधे घंटा आराम से आराम करे अड़े बैठे सब से तो पूरा एसी चालू था घूमता फिरता कोई है कोई कोई शक आदमी को देखो कौन बता सके लेकिन सबसे चोरी सबसे प्लानिंग के हिसाब से कपड़ा ही लगा कोई हिसाब से देखा जाओ तो कुछ नहीं है। अच्छा
जानकारी हिसाब से, क्योंकि जब से पहले हिसाब से किए ना जानकारी लगे कुछ। तो अभी वीडियो देखना था लगा कि अभी परिवार का जगह कुछ लोग हिम पे कोतवाली गेड़ा ही, और उम्मीद है खरीदारी की जल्दी से जल्दी जगह पे चोर हिम पे पुलिस का गिरफ्त में होगा, और जो को चोरी को जो को माल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ो जा। और थाने के लगा कि हिसाब से चोर चोरी ने अंजाम दियो है बिल्कुल भी जल्दी के अंदर को जानकारी ही कि कौन से कमरे के अंदर जो को वो सामान है, कौन से घर के अंदर कोई मौजूद गुना है, हर चीज की जगह पर पहले रेकी करी गई या फिर कोई आस पास को है, या तो जब पुलिस जाँच करे पता लगेगा। थाना वीडियो देखने बाद में कैसे समझा और साथ में पुलिस की जिम्मेदारी बन जाए है, राय है बांधने के बड़े उसे जरूर से बताओगा। मिलाने को अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।